गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य बताए थे, उसमें मैंने आपको 5 लक्ष्य उसमें बताए थे, 5 लक्ष्यों का मैंने उसमें वर्णन किया था, और जो हमारे 4 लक्ष्य हैं वो मैं इस वीडियो में उनका वर्णन करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताए थे आपको 5 लक्ष्य कौन कौन से, आदर्श नागरिकता, नागरिक चरित्र, राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक कुशलता व राष्ट्रीय चरित्र। इन 5 लक्ष्यों का हमने वर्णन किया था। अब जो हम वर्णन करने जा रहे हैं उसमें आता है हमारा 6 नंबर का, यानी कि 6 नंबर का जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। अंतर्राष्ट्रीय पहले था हमारा राष्ट्रीय, अब है हमारा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, ये हमारे 6 नंबर का है। 7 नंबर पर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास के बाद में आता है हमारा मानसिक शक्तियों का विकास। मानसिक शक्तियों का, मानसिक शक्तियों का विकास। फिर आता है हमारा मानसिक शक्तियों के विकास के बाद में हमारा आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब आता है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बाद में आता है हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। इन 4 लक्ष्यों के बारे में हम आज वर्णन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। लास्ट वीडियो हमने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास देखा था, उसमें हमने कहा था कि ऐसे दृष्टिकोण जिसमें हम राष्ट्र के प्रति हमारा दृष्टिकोण रखते हैं, या इसे हम सीधी सी भाषा में कहें हम जब हमें सिर्फ हमारे राष्ट्र से प्रेम है, लेकिन जहाँ अंतर्राष्ट्रीय की बात आ जाती है तो हम ये मानते हैं कि हम अपने राष्ट्र का जितना सम्मान करें उतना हम अन्य राष्ट्रों का भी, हम अन्य देशों का हम सम्मान करें। आप देखते हैं हम जो आज ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर जो सबसे बड़ी हमारा, ये कहते हैं ना कि एक दूसरे को जो जोड़ने की भावना जहाँ जागृत हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा वैज्ञानिक, यानी कि विज्ञान की देन ऐसी है जो हमें हमारे एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से जोड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास करना हमारी नागरिक शास्त्र विषय का सबसे प्रमुख लक्ष्य है, लेकिन साथ में जो हमें इसे जोड़ने का काम कर रहे हैं, या हम यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय भावना का जो विकास हो रहा है वो विकास होने का कारण है हमारा क्या कारण है, वैज्ञानिक आविष्कार। जो हमारे आज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, हमने देखा है कि हर देश अपने अपने स्तर पर अलग अलग आविष्कार कर रहे हैं, और वो आविष्कार जो हमारे विज्ञान की देन है, जो वैज्ञानिक हमारे इन आविष्कारों को कर रहे हैं, उस आविष्कार का, उस चीज का लाभ केवल वही देश ना करते हुए सारा संसार करता है। तो उसी तरीके से हमने देखा है कि सभी अपने अपने स्तर पर अलग अलग आविष्कार करते हैं। हम देखते हैं रूस अलग करेगा, भारत ने अलग किया, अमेरिका ने अलग किया, लेकिन जो चीजें हमारी मिल बांट के जो काम आती हैं, वो हम एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की इसमें सहायता कर रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास इसी कारण हो रहा है, और इसके लिए हम यही कहेंगे कि हमें हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर अगर हमें इस भावना का विकास करना है, तो वो भावना का विकास किसके कारण होता है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय भावना के कारण। ये शिक्षा जो ये विषय है हमारी
बन जाती है। इस विषय के माध्यम से हम इस गुणों का विकास कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, जिसे हम कहें वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना विकसित हमें करनी है वो हम इस विषय के माध्यम से बच्चों में बहुत अच्छे से प्रसारित कर सकते हैं। तो इसीलिए जो नागरिक शास्त्र जो शिक्षण है वो छात्रों में हमारे ऐसे ही विचार हमारे प्रदान करती है, हमें इन विचारों की पालना करना हमें सिखाती है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। फिर आता है हमारा मानसिक शक्तियों का विकास, यानी कि मस्तिष्क से जो हम सोचते विचारते हैं। अब मानसिक शक्ति कौन सी हो गई, हमारी तर्क विचार कल्पना, ये सब चीजें हमारी किससे कौन सी है, हमारी मानसिक शक्ति है ये। तो इसके लिए कहते हैं कि हमारी जो ये शिक्षण जो हमारे नागरिक शास्त्र शिक्षण है ये हमें हमारे उस तर्क शक्ति को एक अलग से हमारी दिशा प्रदान करती है कि किस तरीके से हमें इन शक्तियों का हमें विकास करना है, किस तरीके से हमें इसे बढ़ाना है, किस तरीके से कहते ना हम किस तरीके से तर्क करें, किस तरीके से हम कल्पना करें, किस तरीके से हम निर्णय लें। तो ये सभी चीज हमें ये विषय हमें बहुत अच्छे से सिखाती है चिंतन करने के लिए। नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए कहते हैं कि इसके लिए ये एक तर्क प्रमाणित शिक्षण है, जिसे हमें एक तर्क प्रस्तुत करने की उसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ हम ये कहें कि यहाँ जो हमें सिखाया जाता है वो हमारी तर्कपूर्ण होती है, जिसके लिए हम कोई भी क्यों कैसे इन शब्दों का कहीं भी इसमें समावेश नहीं होता। पूर्ण तरीके से हम ये कहें कि ये हमारी एक निर्णय तथा कल्पना शक्तियों का प्रयोग करना, समस्याओं को हल करना, ये सब ऐसे मानसिक शक्तियों का ये विकास करती है ये नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय। फिर आता है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए हमने कहा कि आज का जो युग है हमारा वो युग कैसा है, हमारा वैज्ञानिक युग है। इसे हम कहें कि ये हमारी या हमारे इस युग की एक प्रबल मांग है, मजबूत यानी कि सभी की इच्छा है। हम देखते हैं कि आज छोटा बच्चा भी जो थोड़े से कहना कि एक बार ये कहा जाता है कि आज का शिशु जो 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं वो भी अपना मोबाइल चलाते हैं। तो आज का ये युग हमारा ऐसा है जो एक वैज्ञानिक युग है, क्योंकि आज की मांग हमारी तकनीकी टेक्निक है, तो वो टेक्निक जो है वो हमारे विज्ञान की देन है। इसीलिए जो हमारे नए नए आविष्कार किस कारण हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आज के युग की आवश्यकता है। और ये पहले भी कहा जाता है कि हम जो शिक्षा लेते हैं वो शिक्षा हम किस लिए लेते हैं, हमारी आवश्यकता जिस समय और जो परिस्थिति होती है, जो हमारी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को देखते हुए हम वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आज के युग की जो हमारी शिक्षा है या हम कहें हमारी मांग है, हमारी जरूरत है, वो जरूरत है हमारी विज्ञान। यानी कि हमने देखा है कि आज के टाइम पे अगर हमें पहले जहाँ जो अंधविश्वास चला रहा था उस अंधविश्वास को दूर करने में हमारे आज के युग की देन है। हम देखते हैं पहले जहाँ एक हमें अगर एक व्यक्ति बीमार होता था तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम कहाँ जाते थे, किसी देवी देवताओं के यहाँ जाते थे या हम कोई झाड़ा लगवाते थे, यानी कि अंधविश्वास से ग्रसित थे। उस अंधविश्वास के काले बादल कहाँ से छटे, इस विज्ञान के कारण। इस विज्ञान की देन है जो आज हम सर्वप्रथम अगर हम बीमार होते तो हमारा सबसे पहला हमारा क्या होता है, हमें कहाँ जाना होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये विज्ञान की देन है, क्योंकि विज्ञान ने हमारे सामने हमारी ऐसी आवश्यकताएं बना दी कि हम उस अंधविश्वास को छोड़ दिया हमने और हम इस विज्ञान वाले देन पर चले गए। और ये हमारी आज के टाइम की जरूरत बन गई, हमारी मांग बन गई कि हम किस तरीके से उस अंधविश्वास से दूर होकर और हम एक विज्ञान युग में जा रहे हैं जहां हमें प्रत्येक चीज हमें तर्कपूर्ण से मिलती है, जिसका कोई ना कोई प्रमाणित होता है, सत्यता होती है। तो इसी कारण जो आज का युग है हमारा वो हमारा वैज्ञानिक युग बन गया। हम देखते हैं कि नागरिक शास्त्र इस बात का पूर्ण करने में बहुत सहायता प्रदान करता है, क्योंकि ये जहाँ नागरिक है यानी कि किससे राज्य नगर और व्यक्तियों से मिलकर है, तो वो व्यक्ति ही क्या है, हमारे देश की भावी जो कहते हैं ना कि भावी राष्ट्र निर्माता हमारे देश के हैं। तो कहते हैं कि ये हमारे जो व्यक्तियों को ऐसी सोच पर विचार
विचार करने पर हमें मजबूर करती है, इस तरीके की शिक्षा प्रदान करती है कि हमें हमारे सही और गलत का हम अपनी पहचान करना सीखते हैं। ये हमारे शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य यह भी है कि छात्रों में हमें ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही विकसित किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है अंधविश्वास, तो हमारा क्या है अंधविश्वास से, जो हमारे अंधविश्वास से अवैज्ञानिक तर्कपूर्ण वस्तुओं से जो समर्थ हो सके वो समर्थता यहाँ प्रदान नहीं होती। हम उन्हीं चीजों को प्रयोग में लेंगे जो वैज्ञानिक होगी, जो तर्कपूर्ण होगी, जो अंधविश्वासी नहीं होगी। इन सभी चीजों का, इन इरीज को देखते हुए हम निर्णय लेते हैं और अपनी तर्क जो शक्तियां हैं उनके हम विकसित करते हैं। कहते हैं कि तर्क शक्ति का विकास कहां से हो रहा है, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो ये हमारी नागरिक शास्त्र शिक्षण की विषय की देन थी। फिर आता है हमारा लोकतांत्रिक मूल्य। हमने देखा है हमारा देश क्या है, एक लोकतंत्र देश है, यानी कि हमारे यहाँ प्रत्येक नागरिक को क्या स्वतंत्रता प्रदान है, समानता के सारे अधिकार होने, हम कहें कि यहाँ अपने विचार की अभिव्यक्ति करना, अपने मन की करना, यहाँ प्रत्येक नागरिक को पूर्ण अधिकार है, वो अपने किसी भी धर्म को माने, किसी भी समाज, कहते हैं यहाँ के समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी हमें यहाँ प्राप्त है। तो नागरिक शास्त्र शिक्षण का जो एक लक्ष्य है कि बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। क्या कौन कौन से लोकतांत्रिक मूल्यों का, हम देखें कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के द्वारा हम सहनशीलता, सहयोग करना, पारस्परिक विचार विमर्श करना, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो भावना होती है, ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों का हमें क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए कि किस तरीके से हम इन मूल्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने का जो कार्य करते हैं वो हमारी इस नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय से हमें पता चलते हैं कि हमें किस दिशा में हमें जाना है, कौन सी हमारी आवश्यकताएं हैं, कौन से हमारे अधिकार हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। तो कहते हैं ये जो लोकतांत्रिक गुण होते हैं ना, इन गुणों का जो प्रसार करती है वो हमारी ये विषय करती है नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय। हमें क्या करती है, अब इसके लिए जो हमारे ईएम हाइट है उन्होंने कहा है कि उनका मत भी है ये कि जो हम जैसे हमारी सामाजिक व्यवस्था हमारी जटिल होती जा रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पहले समाज छोटे थे, हमने देखा कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्याएं बढ़ रही है हमारे समाज का जो विस्तार है वो भी जटिल होता जा रहा है, समाज को किस तरीके से निरूपित करना है वो प्रक्रिया हमारी जटिल होती जा रही है। तो इसमें कहते हैं कि जो सामाजिक प्रक्रिया हमारी जो जटिल होती जा रही है कि कैसे हमें एक योग्य नागरिक की ओर हमें ध्यान देना पड़ता है। हम देखते हैं योग्य नागरिक, हम देखते हैं कि हमारे देश, हमारे राज्य के लिए हम एक अच्छे से अच्छा नेतृत्वशाली शासक चुनते हैं, और वो शासक हम कब चुन सकते हैं, जब हम उन लोकतांत्रिक मूल्यों का हम प्रयोग करें, हम इन सभी चीजों को उस व्यक्ति में देखें कि क्या ये सभी गुण उस व्यक्ति में है जिसे हम हमारे देश की, हमारे राज्य की बागडोर हाथ में देते हैं। तो इसी के लिए कहते हैं कि क्योंकि ये हमारे एक समाज की जटिल प्रक्रिया है, समाज को किस तरह से संचालित करना है, किस तरीके से हमें उसे आगे बढ़ाना है, तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये विषय उन चीजों का ज्ञान करवाता है जिसके द्वारा हम आगे चलते हैं। इसी में इन्होंने जो हमारे एमएस हाइट है, इन्होंने भी एक चीज कही है कि किस तरीके से नागरिक शास्त्र शिक्षण के तीन स्तर, तीन लक्ष्य इन्होंने बता दिए। प्रथम लक्ष्य इन्होंने कह दिया कि प्रथम कहाँ से शुरू होते हैं, हम पड़ोस से, निकट पड़ोस से, फिर हम धीरे धीरे हमारी जो रुचि है वो कहाँ बढ़ती है, हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे जिले में और फिर हमारे राज्य में, और राज्य से हम हमारे राष्ट्र में, और राष्ट्र से हम कहाँ पहुँचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर, यानी कि संपूर्ण विश्व के बारे में किस तरीके से हमें उसमें अपनी भागीदारी देनी है इसके बारे में हम सोचते। कहते हैं ना कि जहाँ हम कई बार जो हमारे सोचने की क्षमता होती है, हम कहाँ से शुरू करते हैं, हमारी प्रथम सीढ़ी से, यानी कि छोटे से छोटी चीज से। तो छोटा सबसे ज्यादा क्या है उनका, परिवार। परिवार से कहाँ गए हम, पड़ोस से, जो हमने नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्षेत्र में भी पढ़ा था कि कहाँ से उसके स्कोप शुरू होते हैं, कहाँ से हमारे उसके क्षेत्र शुरू होते हैं। तो वही चीज है कि इस
तरीके से हम हमारे जो नागरिक मूल्य हैं उन्हें हम बढ़ाते चले जाते हैं। जब हम परिवार राज्य इनसे जुड़ते हैं तो इसके बाद में हम कहाँ जुड़ते हैं, किसी संस्था से, किसी शिक्षक संस्था से। उन संस्था से हमें किस तरीके से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है ये हम सीखते हैं, किस तरह हमें उसे आगे बढ़ाना है। फिर हम देखते हैं इसके बाद में कि जब हम ये चीजें सीखते हैं तब कहीं जाके हमारे मन में हमारी समाज सेवा हमें किस तरह से करना है, इन भावों का हमारा कहते हैं ना ये भावना हमारी जागृत होती है। क्योंकि अगर हमें ये लोकतंत्र जो हमारे मूल्य है इनका विकास करना है तो ये एक हमारे एक स्टेप से हमारी चीज शुरू होती है कि किस तरीके से हमें उस चीज का ज्ञान हो कि हमारे समाज में क्या भागीदारी है। तो इन सब चीजों का ज्ञान हमें ये विषय करवाती है। इसके बाद में हमारे जो एडम स्मिथ थे उन्होंने भी इसके लिए एक बात कही, इन्होंने भी अपने एक नागरिक जो शिक्षण के लक्ष्य हैं उनको अलग अलग तरीके से, यानी कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्य विकसित किए उन्होंने भी अपने एक लक्ष्य बताया। किसने? एडम्स वेल ने कहा है। इन्होंने कौन कौन से जो हमारे शैक्षिक लक्ष्य है वो कौन कौन से बताए ना, एडम वेस्ले ने कहा है कि प्रथम लक्ष्य होता है इस विषय का कि सरकार की आवश्यकता को समझने की शक्ति प्रदान होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए? सरकार की आवश्यकता इसको हमें समझने की शक्ति होनी चाहिए, आवश्यकता को समझने की कि किस तरीके से हमें जो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं उसे हमें किस तरीके से हमारी उसके प्रति आवश्यकता है। फिर आता है हमारा इसके लिए कि जब हमने उसकी आवश्यकता को जाना है तो हम उसे एक कहते हैं ना उसको एक रूप देंगे, यानी कि किस तरीके से हमें उसका ढांचा देना है, किस तरीके से हम उसे व्यवस्थित करना है, किस तरीके से हमें शुरू करना है, यानी कि सरकार के ढांचे के बारे में हम क्या लिखते हैं इसमें, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ढांचे का ज्ञान प्राप्त करते हैं हम इसके लिए। ये हमारा ज्ञान प्राप्त होता है। जब हमने इसका ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हम क्या करते हैं, राजनीतिक दलों का तथा उनके कार्यों का हमें ज्ञान होता है। राजनीतिक यानी कि सरकार कहाँ बनेगी, जब हम राजनीति क्षेत्र से जुड़ेंगे, यानी कि राजनीतिक जो हमारे राजनीतिज्ञ होते हैं उनका जो दल बनाते हैं उन दलों का किस तरीके से उनका कार्य है, ये कार्य हम उनको प्रदान करते हैं, दलों का तथा कार्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं कि किस तरीके से उन्हें कार्य करना है। ये इन्होंने एडम स्मिथ ने कह रहे हैं अपने हिसाब से कि ये भी हमारी एक नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य होते हैं। फिर जब हम कार्य को ज्ञान प्रदान करते हैं उसके बाद में हमारे राष्ट्र सहयोग का महत्व, यानी कि राष्ट्र का क्या सहयोग है इसके महत्व के बारे में हम ज्ञान देते हैं, राष्ट्रीय सहयोग के बारे में हम बताते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय सहयोग के बाद में नागरिक के जो कर्तव्य और अधिकार होते हैं उनका ज्ञान हम करवाते हैं, नागरिकों के कर्तव्य व अधिकार इनका हम ज्ञान देते हैं। क्योंकि जब वो राष्ट्र से जुड़ेंगे, राज्य से जुड़ेंगे उसके बाद में वो अपने कर्तव्य को जानेंगे कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे राज्य के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, तब हम इन कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। कर्तव्यों के और अधिकारों के ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हमें क्या होता है, हमारे प्रजातंत्र के प्रति हमारा एक दृढ़ विश्वास हो जाता है, यानी लोकतंत्र प्रजातंत्र के विषय में हमारा एक जो हमारा विश्वास होता है ना वो हमारा दृढ़ हो जाता है, यानी कि प्रजातंत्र के लिए क्या हो जाता है, हमारा जो विश्वास है वो पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। प्रजातंत्र के लिए विश्वास
या हम कहें दृढ़पूर्ण हो जाते हैं, हम दृढ़ता, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, अटूट हो जाता है। विश्वास, जो विश्वास बनता है वो दृढ़ हो जाता है। ये हमारे एडम स्मिथ का ही थी कि इस तरीके से जो हमारी नागरिक शास्त्र शिक्षण है इसके ये हम लक्ष्य लेकर चलते हैं। तो आज के मैंने वीडियो में आपको हमारे जो संपूर्ण हमारे शिक्षण के लक्ष्य थे इनके बारे में बताए हैं, और साथ में क्वेश्चन हमारा शैक्षिक उद्देश्य है जो मैंने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी पढ़ाई थी, वही हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। तो उनका भी एक जगह एक क्वेश्चन आता है कि हमारा शैक्षिक उद्देश्य क्या है नागरिक शास्त्र शिक्षण के, तो आपको उन तीनों शैक्षिक उद्देश्य यानी कि ज्ञानात्मक जो हमने कहा उसके ज्ञान, और दूसरा था हमारा भावात्मक, और तीसरा था हमारा क्रियात्मक मनोगतात्मक, उन तीनों का आपको वर्णन करना है अगर शैक्षिक उद्देश्य के बारे में पूछा जाए तो। ये हमारे लक्ष्य थे। धन्यवाद।